हे गाइस, सीएस का स्टाइल्स पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसानों का क्लासिक ऑलिव ऑयल के बारे में। ये ऑलिव ऑयल स्पेन में बनाया जाता है और वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। वैसे तो किसानों का ये ऑलिव ऑयल फ्राइंग ग्रिलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने एक दो बार ट्राई किया है, लेकिन आज मैं इसके स्किन बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगी। इस ऑलिव ऑयल को रेगुलर यूज से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकता है, स्किन बेनिफिट्स। तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ सारे बेनिफिट्स शेयर करूंगी, ठीक है। तो कुकिंग के अलावा इस ऑयल को हम आज एज ए स्किन केयर ऑयल बात करेंगे। सबसे पहले तो इस ऑलिव ऑयल को हम एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, और साथ में जब हमारे नेल्स, एल्बो, नीज, आर्म्स बहुत ही ड्राई हो जाता है, तब हम इसे लगाकर उस जगह को स्मूथ बना सकते हैं, मॉइस्चराइज रख सकते हैं। अगर आप चाहो ना तो इसे एज ए मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हो, स्पेशली विंटर पे। मुझे लगता है कि समर पे थोड़ा सा मतलब स्वेटिंग होगा, तो अगर हम विंटर पे इसे एज ए मेकअप रिमूवर यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेकअप भी रिमूव हो जाएगा, साथ में हमारी स्किन भी नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज रहेगा। और इसे हम डार्क लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं, इससे लिप्स का कम्प्लेक्शन या तो टेक्सचर इम्प्रूव होगा। लिप्स में ना सोने से पहले लगाना है, मतलब नाइट स्किन केयर पे रखना है इसे। इसे हम अपने क्रैक हिल्स पे भी लगा सकते हैं। क्रैक हिल्स पे अगर हम रेगुलर लगाए तब हमारे हिल्स मॉइस्चराइज रहेंगे और हम क्रैक हिल्स से भी छुटकारा पा सकते हैं। खास बात ये भी है इसमें, इसे हम पेन रिलीफ ऑयल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब हमारे कभी कभार बैक पेन या तो नेक पेन होता है, तब आप इससे हल्का हल्के से मसाज कर देना तो उससे रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट, इसे हम मेकअप ब्रशेस क्लीनिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे हम एज ए फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं। अगर इसे हम अपने फेस पर लगाए तो हमारे डार्क सर्कल, पिंपल्स वगैरह वो कम हो सकता है। इस ऑलिव ऑयल के साथ अगर हम 1 टीस्पून जैसा लेमन जूस ऐड करके अपने फेस या तो स्किन पर लगाए तो हमारे स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोई दिखेंगे और हमारे स्ट्रेच मार्क भी कम हो सकता है। इस ऑलिव ऑयल के साथ हनी मिक्स करके हम अपने फेस पर लगा सकते हैं और स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम लेने के बाद हल्के गर्म पानी से वॉश कर लेना है। इस ऑलिव ऑयल में है विटामिन ए, ई, डी और के, साथ में इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन एज एंड रिंकल्स को रिड्यूस करता है। इसे हम एज ए नाइट क्रीम और अंडर आई क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इससे सन बर्न या तो सन टैन भी रिमूव हो सकता है। और इसे अगर हम अपने नेल्स पर लगाए तो नेल्स अच्छे से ग्रो होने में भी मदद करता है। हालांकि मेरे ये 2 नेल अभी टूटा हुआ है, मैंने खुद से ही ऐसे कर करके इसे तोड़ डाला है, बट बहुत ही अच्छे से नेल्स ग्रो होता है। गाइज, इसे हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसके साथ हमें थोड़ा सा एलोवेरा ऐड करना होगा और अप्लाई करना होगा रात को, तब ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरह वर्क करता है। और ये जो बोतल है ये 500 ml का है, और प्राइस के बारे में बात करें तो ये 675 rupees का है। हाँ, ये मान सकते हैं प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वर्दी है। तो लाइफ सेल के बारे में बात करें तो ये 3 साल का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यही था किसानों क्लासिक ऑलिव ऑयल का बेनिफिट्स एंड यूजेस। मैं कई दिनों से यूज़ करने लगी हूँ इसे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।